हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य एवं जींद से पूर्व प्रत्याशी रहे प्रमोद सहवाग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर दिए गए फैसले का पूरे देश की जनता ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पंचायत में जन मसलों पर नकारा। अहंकारी, दमनकारी, विघटनकारी भाजपा सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। प्रमोद सहवाग ने ये वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विजयनगर स्थित अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक में कहे। इस मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत करार दिया। प्रमोद सहवाग ने कहा कि भाजपा सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है। जिस तरह भाजपा ने देश की आवाज बुलंद करने वाले और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी को एक सूत्र में जोड़े वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अच्छा काम किया, उस पर हर किसी की नजर थी। उन्होंने कहा कि भाजपा आवाज उठाने वालों का कैसे गला घोटने का प्रयास कर रही है, इसे लेकर लोगों में भारी रोष का लावा पनप रहा है। यह लावा 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में फूटेगा तो भाजपा ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आज सत्य की जीत हुई है और पूरे देश में आज इस बात की खुशी है कि जो जनता चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अनुसार ही फैसला दिया है। जो बीजेपी के कहने पर फैसले दिए गए थे गुजरात में, चाहे वो सेशन कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, एक तरफ ये लगता था कि भाई राहुल जी की बात ही नहीं सुनी गई है। केस को नीरव मोदी ने खुद केस पर जाकर स्टे लिया, स्टे लेने के बाद वो हाई कोर्ट जाता है, स्टे तोड़वाता है, जब जज की ट्रांसफ़र होती है उसके एक महीने के अंदर फैसला आता है और ऐसे केसों में मैक्सिमम पनिशमेंट उनको दी गई है ताकि उनकी सदस्यता जो है वो जाती रहे। और बीजेपी ने राहुल जी को एक तरह से जो राजनीति में होता है कि भाई नीचा दिखाने की कोशिश की, उनका घर भी उनसे छीन लिया है, जबकि इस पूरे देश को इस बात का एहसास था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो वहाँ पर न्याय होगा और सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि निचली अदालत ने ये गलत फैसला दिया था, इनकी सजा ऐसे नहीं देनी चाहिए थी, इस बात का प्रतीक है कि राहुल जी ने जो है वो किसी जाति के, कोई विशेष जाति के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई नीरव मोदी पैसे लेकर चला गया, ललित मोदी पैसे देकर चला गया, उन पर सवाल उठाया था और इन्होंने उसको अपने तरीके से षड्यंत्र रचकर राहुल जी की सदस्यता को रद्द कराने का काम किया था। और आज सब कांग्रेसियों में नहीं, सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेसियों में बल्कि भारत के हर नागरिक के अंदर इस खुशी है कि जो सत्य की जीत हुई है और जो फैसला आना था वो उसी के हिसाब से आया। तो ये मानकर चलें कि मतलब जो बार जोड़े यात्रा में आप साथ रहे, लगातार चल रहे, अब जो प्रदेश की देश की बात करें तो कांग्रेस का ग्राफ कितना और बढ़ पाएगा? कांग्रेस का तो ग्राफ वैसे ही बढ़ा हुआ है। आप देखिए, जहाँ पर मणिपुर में दो जातियों के बीच में इतना लंबे लड़ाई से जहाँ पर सैकड़ों की जाने चली गई और ये देश मीडिया ने भी नहीं दिखाया, देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है, और उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप मणिपुर की देखोगे तो म्यांमार के साथ में लगती है जिसपे चाइना का कब्जा है, तो इतनी भयानक स्थिति होने के बाद भी इन्होंने उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी। मेवात के अंदर जो हुआ है वो आप सबके सामने है, अमन चैन से रहने वाले मेवातियों के बीच में जाकर दंगा कराया वो आप लोगों के बीच में है। पूरी तरह से बाढ़ आई तो किसान जो है ये कहीं कुछ नहीं कर पाए, कोई इनकी प्लानिंग नहीं थी, कहीं पर कोई इन्होंने बाढ़ राहत के लिए पहले से कोई इन्होंने कोशिश नहीं की। आप देखिए जितनी विपदाएं हर उसमें ये फेल हो जाते हैं, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, छोटे व्यापारियों से लेना देना नहीं, इनको स्टूडेंट से, छात्रों से कोई लेना देना नहीं। आज ही जो बताते हैं कि भाई जो सीट का टेस्ट होना था उस पर स्टे मिल गया है, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिस पर स्टे नहीं लगता हो। क्यों लगता है ये स्टे? इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से खामियां की जाती है जिसका भुगतान यहाँ के युवा कर रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो देश की आवाज़ को दबाने का ये लोग काम कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आवाज़ को दबने नहीं दिया और ये लोकतंत्र की जीत है। इसलिए हम सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सारे कांग्रेसी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और खुशी में आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में इस देश को ऐसे विभाजनकारी लोग हैं जो बांटने का काम करते हैं इस देश को, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहना पड़ेगा। जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।